स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन अग्रवाल पब्लिक इंटर कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ योर फोर्थ चैप्टर सॉक्रेट्स। द राइटर ऑफ दिस चैप्टर इज रोडा पावर। द समरी ऑफ दिस लेसन, सॉक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस About 400 BC, he was a great philosopher. इस चैप्टर में रोडा पावर ने ये बताया है कि सोक्रेट्स का पूरा जीवन क्या था और वो एक बहुत महान फिलोसफर थे। उन्होंने एथेंस को ऊंचा उठाने के लिए, बहुत अच्छा बनाने के लिए उन्होंने बहुत से ऐसे टीचिंग्स उन्होंने दी लोगों को कि जिससे लोग अपने आप को पहचान सके। सो वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन। सी, सोक्रेट्स लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 इयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न। यीशु मसीह का जन्म होने के लगभग 400 साल पहले सुकरात एथेंस में रहते थे। एज अ बॉय ही वॉज अगली, अंडरसाइज्ड एंड हैड अ फ्लैट नोज एंड बल्गिंग आइज। द मीनिंग ऑफ बल्गिंग आइज इज उभरी हुई आंखें, ठीक है, कमिंग आउट। हिज फादर वॉज अ पुअर स्टोन कटर, सो ही वॉज ऑलवेज रेदर शैबली ड्रेस्ड। द मीनिंग ऑफ शैबली, शैबली का मीनिंग है डर्टी, बहुत ही गंदे कपड़े, क्योंकि उनके पिता एक गरीब पत्थर तराशने वाले थे, इसलिए वो हमेशा गंदी और मैली ड्रेस में रहते थे। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, ही वेंट टू स्कूल वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स फॉर म्यूजिक एंड जिमनास्टिक्स। जैसा कि दूसरे बच्चों की तरह, उनकी उम्र के जो दूसरे बच्चे थे, ही वॉज वेंट टू स्कूल, वो भी स्कूल गए, वेयर, जहाँ उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ सीखे। उनमें से महत्वपूर्ण पाठ कौन से थे? सब्जेक्ट्स म्यूजिक एंड जिमनास्टिक्स। ही ऑल्सो लर्नड सम साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड अ लिटिल अबाउट द स्टार्स। उन्होंने बहुत कुछ विज्ञान के बारे में और गणित के बारे में भी सीखा। एंड अ लिटिल अबाउट द स्टार्स, और थोड़ा बहुत तारों के बारे में सीखा। बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड जियोग्राफी एज चिल्ड्रेन लर्न टूडे। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर विद द शॉर्ट नेक एंड प्लेन फेस वॉज अ थॉटफुल चाइल्ड। जैसा कि आज के बच्चे हिस्ट्री जियोग्राफी पढ़ते हैं, उस तरीके से उन दिनों ये सब्जेक्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं थे। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर, ये अजीब छोटा प्राणी, क्रिएचर मीन्स प्राणी, विद द शॉर्ट नेक, जिसकी गर्दन छोटी थी और प्लेन फेस, उसका चेहरा प्लेन था, वॉज अ थॉटफुल चाइल्ड, वो एक बहुत ही विचारशील बच्चा था। He watched his companions. Companions means साथी, जो उसके साथ क्लास फेलोज थे, all the time वो अपने साथ के बच्चों को, friends को बहुत ही ध्यान से देखता था, और all the time and allowed very few things, और बहुत ही ऐसी कम चीज़ें थी to escape his notice. Escape means बच जाना। उससे बहुत ही कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें थीं जो उसकी नज़रों से बच सकती थी। वो ऑल द टाइम ही वॉज्ड हिज एवरी क्लास फेलो, हर एक स्टूडेंट्स, हर एक अपने साथियों का वो ध्यान से देखता था कि वो क्या कर रहे हैं, और उनको नोटिस करता था पल पल। सोक्रेटिस डिड नॉट हैव अ बिग हाउस, सोक्रेटिस के पास बहुत बड़ा घर नहीं था। ही वॉज वेरी पुअर, ही डिड नॉट सीम टू वॉन्ट अदर
wealth or beautiful possessions, and he had no will. उनकी कोई इच्छा नहीं थी. He didn't wish. उनकी कोई इच्छा नहीं होती थी कि वो इन सब चीज़ों को, जो बहुत ही खूबसूरत चीज़ें होती हैं, उनकी इच्छा उनकी नहीं होती थी. As he grew older, जैसे जैसे वो बड़े हुए, he began to think very little of bodily comfort and pleasure. जैसे जैसे बड़े हुए, जैसे कि लोग बड़े बच्चे बड़े होते हैं, तब उनको ज़्यादा से ज़्यादा शारीरिक आराम की आवश्यकता होती थी. लेकिन begin to think very little of bodily comfort and pleasure, he gave his mind. उन्होंने अपना अधिक से अधिक जो दिमाग था, ध्यान जो था, वो केंद्रित किया to all that was noble, जो बहुत ही ज़्यादा आदर्श, honorable, सम्मानजनक and just. Just means न्याय संगत था. Socrates went round the town on foot and talked to people. Socrates जब भी कभी लोगों को शिक्षा देने जाते थे, लोगों से बात करते थे, तो वो हमेशा पैदल भ्रमण करते थे. The Athenians began to look for his familiar figure in the streets and to say to their friends. जब भी लोग उनसे परिचित होते गए, जो व्यक्ति उनसे परिचित होते गए, figure in the streets, और उनको सड़कों पर ढूंढने लगे, and to say to their friends, और लोगों से, अपने मित्रों से उनके बारे में बात करते थे. Yes, that Socrates. हाँ, देखो, वो Socrates है. Come along and talk to him. जल्दी से आओ और उनसे बातें करो. After some time, Socrates became famous as a teacher. कुछ समय बाद Socrates एक अध्यापक के रूप में famous हो गए. He wandered along the roads and stood in the marketplace. वो घूमते थे सड़कों पर, और जहाँ पर बहुत भीड़ होती थी, बाजार के स्थानों पर खड़े होकर वो हमेशा अपनी टीचिंग्स देते थे. टॉकिंग टू anyone, किसी से भी बातें करते थे. हु केयर टू ग्रीट हिम, ग्रीट मीन्स वेलकम, जो भी उनका स्वागत करना चाहता था, जो भी उनसे अच्छे से मिलता था, उससे वो बात करते थे. His listeners were often confused after they had argued with him or answered his questions. उनके जो listeners थे, वो प्रायः confused होते थे after they had argued with him, और उसके बाद वो उनसे बहस करते थे, और answered his questions, या तो उनके प्रश्नों का उत्तर देते थे. Socrates told his countrymen that everyone must learn to think for himself. कि उन्होंने, Socrates ने अपने नगरवासियों को यही सिखाया, देशवासियों को, कि everyone must learn to think for himself. कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने बारे में अवश्य सोचना चाहिए. So that by using his reason, he would have the power to see what was right, just, true and beautiful. उनका कहना था कि जब लोग अपने आप के बारे में सोचना स्टार्ट कर देंगे, तो इससे वे अपना कारण जान जाएंगे, कि और उनको शक्ति मिल जाएगी कि क्या सही है, क्या न्यायप्रिय है, और क्या सत्य है, और क्या सुंदर है. एंड सो शेप हिज ऑन कंडक्ट, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इसी आधार पर वे अपना जो कर्म है उसको सही से उसका निर्माण कर सकेंगे. ही वॉन्टेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट, वो एथेंस को एक आदर्श राज्य बनाना चाहते थे. ही टोल्ड एवरीवन, उन्होंने हर एक को ये बताया. बोथ हिज पीपल्स, उनके दो शिष्य थे, एंड हिज अदर फॉलोअर्स, और जो उनके दूसरे फॉलोअर्स से अनुयायी थे, दैट दिस कुड हैपन ओनली इफ एवरी सिटीजन एजुकेटेड हिज ऑन माइंड टू सी व्हाट वाज राइट एंड नोबल.
उन्होंने दैट दिस कुड हैपन ओनली इफ एवरी सिटीजन एजुकेटेड इज राइट एंड नोबल. उन्होंने कहा कि ऐसा तभी हो सकता है जब हर एक नागरिक शिक्षित हो और अपने मन को वो शिक्षित करे और देखे, तभी वो देख सकता है व्हाट वाज राइट एंड नोबल, क्या सही है और क्या आदर्श है. ही बिलीव्ड दैट क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग वुड हेल्प देम डू दिस. उनको विश्वास था कि प्रश्न करने से और डिस्कस करने से, विचार विमर्श करने से उनको सहायता मिलेगी. एंड सो ही वॉज फॉर एवर टॉकिंग टू देम इन द ओपन स्ट्रीट्स. इसी कारण से वो हमेशा लोगों से खुले गलियों में, खुले स्थानों पर बातें करते थे. व्हेन सोक्रेटिस वॉज एन ओल्ड मैन, जब सोक्रेटिस थोड़े वृद्ध हुए, हीज फेम एंड हैड स्प्रेड फार एंड वाइड. फार एंड वाइड मीन्स दूर दूर तक. उनकी जो यश था, उनकी प्रसिद्धि थी, वो दूर दूर तक फैल गई. द हाउस ऑफ मैनी अ रिच मैन ओपन इट्स डोर टू हिम. बहुत ही धनी लोगों के दरवाजे हमेशा उनके लिए खुले रहते थे. फॉर पीपल फेल्ट ऑनरेबल ऑनर्ड टू हैव हिम एज देयर गेस्ट. जो जब कभी भी वो किसी के घर में मेहमान के रूप में जाते थे तो वह व्यक्ति अपने को बहुत ही सम्मानजनक समझता था. बाई डिग्रीज अ स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड अराउंड हिम एंड फॉलोड हिम. धीरे धीरे एक विशेष वर्ग उनके सामने इकट्ठा होने लगा. वेयर एवर ही वेंट गैदर्ड अराउंड हिम एंड फॉलोड हिम, और उनका अनुसरण किया. जहाँ कहीं भी वो जाते थे. एमंग देम वॉज अ यंग मैन कॉल्ड प्लेटो. उन्हीं में एक युवा व्यक्ति था जिसका नाम था प्लेटो. प्लेटो एक शिष्य था उनका, दूसरा शिष्य उनका क्रेटो था. हु ट्रेजर्ड एवरी वर्ड. ट्रेजर्ड मीन्स केप्ट सेफ, बचा कर रखता था, संजो कर रखता था उनके एक एक शब्दों को. विच इज मास्टर अटर्ड, जो कुछ भी उनके मालिक, अटर्ड मीन्स टोल्ड, बोलते थे. एंड इन लेटर ईयर्स, और धीरे धीरे बाद के वर्षों में, बिकम एज फेमस अ टीचर एज सोक्रेटिस हिमसेल्फ. और बाद में सोक्रेटिस के बाद जैसे जैसे समय बीता गया तो वो बीतता गया, वैसे वैसे प्लेटो सोक्रेटिस की तरह एक अध्यापक के रूप में फेमस हो गया. बट ऑल दो मैनी पीपल लव द ओल्ड मैन एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम. लेकिन यद्यपि बहुत से लोग उस बूढ़े व्यक्ति को प्यार करते थे और अपने आप को उनके ज्ञान से खुश करते थे. देयर वर सम हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम. लेकिन उनमें से कुछ लोग थे जिन्होंने उनको सिद्ध नहीं किया. ही टॉट दैट, उन्होंने सिखाया कि हर एक व्यक्ति का ऑन मैंस ऑन माइंड, अपना दिमाग इन्फ्लुएंस्ड हिज कॉन्डक्ट, कि कर्म से प्रभावित होता है. मोर देन द गॉड्स, भगवान से कुछ नहीं. उनका कहना था कि जो कुछ भी है वो हमारे कर्मों का फल है, भगवान का इसमें कोई भी दोष नहीं है. दिस सीम्ड टू सम पीपल अ न्यू एंड विग आइडिया. इससे लोगों को ऐसा इस विचार से लोगों को लगा कि ये एक बेकार का विचार था. ही सेड दैट देयर वर हायर एंड नोबलर डीड्स दैन मेकिंग सेक्रीफाइसेस टू एथेंस एंड अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस. उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत से और भी ग्रीस के बाकी देवताओं के लिए बलि चढ़ाने से भी ज़्यादा उच्च और महान कर्मकांड थे. बहुत से लोग
sacrifices to Athens and other gods of Greece, and many people thought that he was leading the young astray. कुछ लोगों को लगा कि ये लोगों जो लोगों को astray means पथ भ्रष्ट करना, ठीक है, वो सोचते थे कि ये लोगों को गलत रास्ता दिखा रहे हैं. क्वेश्चनिंग ऑल दैट दे हैड बीन टॉट टू बिलीव एंड फिलिंग देयर माइंड्स विद डाउट्स. उनको ऐसा लगा कि लोगों का दिमाग जो है वो संदेह से भर रहा है, भर रहा है. द मैन हु वर गवर्निंग एथेंस समंड सोक्रेटिस टू अपीयर बिफोर देम टू स्टैंड हिज ट्रायल. और एथेंस की जो सरकार थी उस समय, उन्होंने उनको सजा सुनाने के लिए कोर्ट में पेश होने के लिए कहा और उन पर मुकदमा, जिससे कि उन पर मुकदमा चलाया जा सके. और